यूपी बोर्ड ने रिकॉर्ड 12 कार्य दिवस में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा संपन्न कराई। 16 मार्च से मूल्यांकन भी शुरू हो गया है। होली पर 3 दिन के अवकाश के साथ 31 मार्च को उसे पूरा कर लिया जाएगा। इस तरह मूल्यांकन कार्य 13 दिनों में कराकर यूपी बोर्ड रिकॉर्ड बना सकता है। बोर्ड सचिव ने कहा है कि मूल्यांकन पूरा होने के साथ परिणाम देने की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। पिछले साल 25 अप्रैल को हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया था। इस तरह इससे पूर्व परिणाम घोषित करने का नया रिकॉर्ड भी यूपी बोर्ड बना सकता है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में उत्तर पुस्तिका परीक्षा केंद्र से बाहर लिखे जाने की घटना पिछले साल की तरह 2024 में भी नहीं हुई। इस तरह पर्चा आउट और प्रश्न पत्रों की गलत ओपनिंग पिछली बार की तरह इस बार भी नहीं हुई। इस साल 37 सॉल्वर पकड़े गए, जबकि पिछले साल 133 पकड़े गए थे। नकल करने के मामले भी घटे हैं। पिछले साल 127 नकलची पकड़े गए थे, जबकि इस साल 48 पकड़े गए हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शनिवार को समाप्त हो गई। अंतिम दिन पहली पाली में हाई स्कूल उर्दू विषय की परीक्षा हुई, दूसरी पाली में 12वीं की संस्कृत परीक्षा हुई।